फ्रेंड्स आज हम ये 2 लीटर की वाटर बॉटल कवर स्टिच करेंगे। इसको हम देखिए साइड से ओपन करेंगे और इसमें देखिए अंदर की साइड में अपनी वाटर बॉटल को सेट करते हुए आप रख सकते हैं। काफ़ी नीटली ये पूरा बैग अंदर से स्टिच हुआ है। इस पर अपनी वाटर बॉटल को सेट करते हुए जिप से इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए। ये बैग देखिए बैक साइड से ऐसा है, साइड से बॉटम की साइड से देखिए और इस साइड से, और इस बेल्ट से एडजस्ट करते हुए आप इसको क्रॉस करके या शोल्डर से कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा वाटर बॉटल कवर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम ये 2 लीटर की वाटर बॉटल कवर स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। सबसे पहले हम ये 14x14 का क्रोटेड पीस लेंगे। इसमें हमने मेन फैब्रिक और रबर शीट को लेते हुए साइड से स्टिच करके इस क्रोटेड पीस को रेडी किया है। तो इसमें हम एक साइड से यहाँ पर देखिए 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे। ऐसे हम इस साइड से और ऐसी दूसरी साइड भी 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। और ये जो हमने मार्क किया है इस मार्क वाली लाइन को हम 10 इंच पे डाउन करते हुए देखिए ऐसे मार्क करेंगे और ऐसे इस साइड भी 10 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे। और ये हम 12 इंच की 2 बेल्ट्स लेंगे और इसमें से एक बेल्ट को देखिए मार्क वाले पॉइंट पे सेंटर में रखेंगे और टी रिंग को हम इस साइड से देखिए अंदर की साइड में बेल्ट को ऐसे करते हुए फोल्ड करेंगे। बेल्ट को मार्क वाले पॉइंट पे फोल्ड करते हुए बेल्ट को टी रिंग के साथ में इस साइड से और ऐसी दूसरी साइड से स्टिच करके हमें अटैच करना है। दोनों बेल्ट को हमने देखिए डीरिंग के साथ में अटैच कर दिया है और अब ये हम 14 इंच की बेल्ट लेंगे और इस बेल्ट को देखिए इस साइड इसके ऊपर रखते हुए दोनों साइडों से स्टिच करके इसमें हम अटैच कर देंगे। इस बेल्ट को भी हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया है। देखिए ऐसे हमें सेट करते हुए अटैच करना है और अब हम इस साइड से आएंगे और इस साइड हम 2.5 इंच पे डाउन करते हुए देखिए ऐसे हम सीधे मार्क कर लेंगे और मार्क वाली लाइन पे हम क्रोटेड पीस को कट कर लेंगे। देखिए क्रोटेड पीस को हमने कट कर लिया है और अब ये हम 14 इंच की जिप लेंगे और 14x14 का प्लेन पीस लेंगे और जिप को हम इसके ऊपर देखिए ऐसे रखेंगे। जिप का राइट साइड क्रोटेड पीस का राइट साइड एक साइड में ऐसे रखते हुए इसके ऊपर हम प्लेन पीस को रखते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। जिप और प्लेन पीस को हमने देखिए अटैच कर दिया है और अब हम बैक साइड में करते हुए प्लेन पीस को इसमें हम दाब सिलाई देते हुए राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को हम क्रोटेड पीस में अटैच कर देंगे। दाब सिलाई देते हुए हमने देखिए प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। देखिए बैक साइड में सेट हो गया प्लेन पीस और ये जो एक्स्ट्रा प्लेन पीस है इसको हम कट कर लेंगे और इस प्लेन पीस को हम जिप की दूसरी साइड में देखिए ऐसे रखेंगे। देखिए ये जो प्लेन पीस है इसका राइट साइड अपर की साइड में होगा और जिप को हम इसके ऊपर रखेंगे और ये जो क्रोटेड पीस हमने कट किया था इसको हम जिप की दूसरी साइड में देखिए ऐसे रखते हुए सीधे स्टिच करके अटैच कर देंगे। प्लेन पीस और क्रोटेड पीस को देखिए अटैच कर दिया है और अब हम प्लेन पीस को क्रोटेड पीस को दोनों को देखिए अपर के साइड में करते हुए इसमें दाब सिलाई देते हुए दूसरी साइड भी स्टिच करके इसमें हम अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को दाब सिलाई देते हुए प्लेन पीस को हमने देखिए अटैच कर दिया है और अब हम देखिए जिप को ओपन करके इसमें हम रनर स्टार लेंगे। जिप पे हमने रनर स्टार लिया है और अब ये हम 2x15 का क्रोटेड पीस लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे। दोनों राइट साइड एक साइड में होगा और ये 1.5 इंच की पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग को हम बैक साइड में रखते हुए सीधे स्टिच करके अटैच कर देंगे। पाइपिंग के साथ में हमने देखिए क्रोटेड पीस को भी अटैच कर दिया है और अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करेंगे और पाइपिंग को हम देखिए ओपन करेंगे और इसको हम डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लाइन पे देखिए ऐसे रखेंगे और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर देंगे। पाइपिंग को हमने देखिए स्टिच कर लिया है
और अब देखिए इस क्वल्टेड पीस को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके दूसरे साइड में हम दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे सेट करते हुए पाइपिंग को लेते हुए स्टिच करके अटैच करेंगे। जैसे उस साइड हमने स्टिच किया है वैसे इस साइड भी हम स्टिच कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब हम पाइपिंग को देखिए ओपन करेंगे और इसको भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लाइन पे रखते हुए इसमें हम अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने देखिए पाइपिंग से स्टिच लाइन को कवर कर दिया है और अब देखिए दोनों स्टिच लाइन को मिलाते हुए इस साइड हम पिनअप करेंगे और यहाँ पर देखिए दोनों साइडों में सेंटर का मार्क कर लेंगे और पिन को हम ओपन करते हुए दूसरी साइड भी इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। और अब देखिए ये जो सेंटर का मार्क है दोनों मार्क वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए पिनअप करेंगे और इस साइड भी हम दोनों साइडों में सेंटर का मार्क कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी देखिए मार्क वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए पिनअप करेंगे और दोनों साइडों से इस साइड भी मार्क कर लेंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है और अब ये हम क्वल्टेड पीसेस लेंगे 5.5 बाय 5.5 के हमें टू क्वल्टेड पीसेस लेंगे। एक पीस को हमने देखिए शेप में कट किया है और अब देखिए इसको हम कट करेंगे तो ऐसा अगर आपके पास बाउल हो तो बाउल को रखते हुए इसमें मार्क करिए स्टिच करके इसके बाद इसको कट कर लीजिए। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है मार्क करके और अब देखिए इसको हम ऐसे कट करेंगे शेप में और क्वल्टेड पीस को देखिए फोल्ड करके पिनअप करेंगे दोनों साइडों से इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। पिन को हम ओपन करेंगे और दोनों मार्क वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए इस साइड भी पिनअप करेंगे और दोनों साइडों से इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे और ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट में भी मार्क करना है। ये देखिए इसमें हमने मार्क कर लिया है और एक साइड से हम देखिए इसको अटैच करेंगे तो इसमें हमने जो सेंटर का मार्क किया था मार्क वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए पिनअप करेंगे और ऐसे दूसरे वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। और ऐसे दूसरे पॉइंट्स को भी मिलाते हुए पिनअप करेंगे। फ्रेंड्स सेंटर के मार्क से अगर आप मिलाते हुए पिनअप करेंगे और स्टिच करेंगे तो उससे आपके दोनों पार्ट्स बहुत परफेक्ट स्टिच होंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए पिनअप करना है और ऐसे ही आप सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके आपको अटैच करना है। तो ये हम पाइपिंग लेंगे, पाइपिंग के साथ में हम दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। पाइपिंग को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और किसी भी एक साइड से रखते हुए राउंड में स्टिच करके हम दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर करेंगे। पिन को ओपन करते जाइए और ऐसे ही आप धीरे धीरे स्टिच करके इसमें आप इस सर्कल को अटैच कर दीजिए। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए अटैच कर दिया है और अब देखिए पाइपिंग को हम ओपन करेंगे और जिस साइड से हमने स्टिच करना स्टार्ट किया था उस साइड से पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए ऐसे है सेट करते हुए स्टिच करके हम पाइपिंग से स्टिच लाइन को कवर कर देंगे। देखिए ऐसे हमें डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। पाइपिंग को हमने देखिए स्टिच कर लिया है। जैसे हमने इस साइड स्टिच किया है क्वल्टेड पीस को वैसे इसका दूसरा जो पार्ट है उसको हम इस साइड अटैच करेंगे। तो सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए पहले हम पिनअप कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए पिनअप कर लिया है और अब देखिए हम पाइपिंग के साथ में स्टिच करके जैसे उस साइड हमने अटैच किया था वैसे इस साइड भी हम अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है और अब देखिए हम जिप को ओपन करके इसको हम राइट साइड में कर लेंगे। उल्टेड पीस को पलट कर राइट साइड कर लिया है और ये पार्ट देखिए ऐसे सेट हो जाएगा। जिप को हम देखिए लॉक करेंगे। हो गया है और अब ये हम 50 इंच की बेल्ट लेंगे और एडजस्टर लेंगे। एडजस्टर में हम पहले बेल्ट को सेट कर लेंगे और इस साइड बेल्ट को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ऐसे हम देखिए टर्न करेंगे और स्टिच करके इस पे हम अटैच कर देंगे।
बेल्ट को हमने देखिए स्टिच कर लिया है। और अब देखिए जो डीरिंग है, डीरिंग में हम बेल्ट को इस साइड से अंदर की साइड में करते हुए दूसरी साइड से हम बाहर की साइड में करेंगे। और एडजस्टर में हम बेल्ट को देखिए ऐसे सेट कर लेंगे। ये देखिए एक साइड से बेल्ट सेट हो गई है। और अब जो दूसरा रिंग है उसमें हम इस बेल्ट को इस साइड से देखिए अंदर की साइड में करते हुए और इस बेल्ट को भी फोल्ड करते हुए हम स्टिच करके इसमें हम अटैच कर देंगे। बेल्ट को हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब हमारा ये बॉटल कवर बन के रेडी हो गया है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत स्टिच हुआ है फ्रेंड्स। इसको हम देखिए ओपन करेंगे। ये देखिए अंदर से काफ़ी नीटली ये कवर स्टिच हुआ है। इसमें अपनी वाटर बॉटल को सेट करते हुए जिप से इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए। और ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को आप एडजस्ट करते हुए शोल्डर से कैरी कर सकती हैं और क्रॉस करके भी कैरी कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा 2 लीटर की वाटर बॉटल कवर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।